बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग किंग आर्थर। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये दुनिया इंसानों और जादूगरों के बीच में बटी हुई है, लेकिन जादूगर इंसानों पर पूरी तरह से कब्जा चाहते हैं, इसीलिए वो इंसानों के राजा किंग यूर्थर के महल पर हमला कर देते हैं। जादूगर बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनके पास जादुई शक्तियां होती है, इसीलिए इंसान उनके सामने टिक नहीं पाते। और जब जादूगरों का राजा किंग यूर्थर के सामने आता है तो किंग यूर्थर अपनी जादुई तलवार को निकालता है जो कि बहुत ही शक्तिशाली होती है, और उस तलवार से वो उस जादूगर को मार देता है, जिससे इंसानों की जीत होती है और जादूगरों की हार। पर इस पूरी जंग में किंग यूथर की आर्मी बहुत कमजोर हो गई होती है, इसीलिए किंग यूथर का भाई जिसका नाम वॉटिकर्न है, वो यहाँ पर अपनी सेना लेकर आ जाता है। दरअसल वो किसी भी कीमत पर अपने भाई यूथर के पूरे राज्य को हड़प कर खुद राजा बनना चाहता है। वो महल पर हमला कर देता है, पर उसे पता है कि किंग यूथर के पास जादुई तलवार है जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी पत्नी को सैक्रिफाइस करता है, जिसके बाद वो खुद एक डीमन नाइट बन जाता है, यानी कि एक डीमन योद्धा। किंग यूथर को इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर महल से निकलना चाहता है, पर तभी वहां पर नाइट डीमन आ जाता है जो किंग यूथर की पत्नी को यानी कि क्वीन को मार देता है। किंग यूथर किसी तरह से अपने बेटे को एक बोट पर बैठा कर यहां से पानी में छोड़ देते हैं, और अब वो खुद अपने भाई जो कि अब नाइट डीमन बन चुका है उसका सामना करते हैं। पर नाइट डीमन बहुत ही शक्तिशाली होता है और वो किंग यूथर को हरा देता है। वहीं हमें किंग यूथर के बेटे को दिखाया जाता है जो अब लंडेनियम पहुंच चुका है, जहां उसे कुछ औरतें देख लेती हैं और अनाथ आश्रम छोड़ आती हैं। वहीं हमें वॉटिकर्न को दिखाया जाता है जो अपने भाई को हराने के बाद अब खुद राजा बन चुका है। वो अब मैजिक पावर भी सीख रहा होता है, साथ ही वो उस ब्रिज को भी पूरा कर रहा होता है जिस ब्रिज को जादूगरों की लड़ाई में तोड़ दिया गया था। इस ब्रिज से ही जादूगरों को शक्ति मिलती है, और जैसे जैसे ब्रिज की इमारत पूरी हो जाएगी वैसे वैसे जादूगरों की शक्ति एक बार फिर से बढ़ जाएगी। और इसी तरह से 20 साल बीत जाते हैं। 20 साल बाद दिखाया जाता है कि वॉटिकर्न एक क्रूर राजा बन चुका है, साथ ही अब वो पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। उसके राज्य में हर कोई उससे परेशान है, कोई नहीं चाहता कि वॉटिकर्न इस राज्य का राजा बने, लेकिन उसके सामने बोलना, उसके सामने टिक पाना किसी की भी बस की बात नहीं है। वहीं वॉटिकर्न ने अपने महल के पास उस ब्रिज को, उस टावर को भी कंप्लीट कर लिया होता है, और जिस ब्रिज के कंप्लीट होने से वहां का पानी पूरी तरह से सूख जाता है, और जब पानी सूखता है तो वहां पर सभी लोग देखते हैं कि एक पत्थर की मूर्ति है जिसके ऊपर एक तलवार गड़ी हुई है। सब उस तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस तलवार को नहीं निकाल पाता, यहाँ तक कि खुद किंग वॉटिकर्न भी। गांव से भी लोग उस तलवार को निकालने के लिए आते हैं, लेकिन किसी से वो तलवार नहीं निकलती। वहीं दूसरी तरफ हमें लंडेनियम शहर में किंग यूथर का बेटा आर्थर दिखाया जाता है जो अब बड़ा हो चुका है। वो यहाँ अपनी जीविका चलाने के लिए छोटी मोटी चोरियां करता है, लेकिन ज्यादातर पैसों से वो लोगों की मदद करता है। वो बहुत तेज दिमाग और बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन किंग के लोगों से, उसकी सेना से उसकी भिड़त हो जाती है, जिस वजह से उसे पकड़ लिया जाता है और दूसरे मुजरिमों के साथ पकड़कर आर्थर को राज्य लिया जाता है। आर्थर को कुछ भी याद नहीं होता कि वो इसी जगह से बिलोंग करता है। दरअसल जब उसके पिता किंग यूथर ने उसे नाव में बिठाकर यहाँ से भेजा था, तब वो बहुत छोटा था और अब वो अपनी सारी पुरानी यादें भूल चुका है। आर्थर को काम करवाने के लिए उसके लिए उस ब्रिज के पास ले जाया जाता है जो पिछले 20 सालों में बनकर तैयार हुआ है, और यहीं पर वो तलवार होती है जो एक मूर्ति की पीठ पर गड़ी होती है। और अब यहाँ पर सैनिक आर्थर को कहते हैं कि तुम भी ट्राई करो, और जब आर्थर उस तलवार को छूता है तो उसे अजीब से विजन आते हैं, उसे एक शक्ति का एहसास होता है, और इसके बाद आर्थर उस तलवार को पकड़ता है और खींचकर बाहर निकाल देता है, जो देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन तलवार की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि उस शक्ति से आर्थर बेहोश हो जाता है। पर अब किंग वॉटिकर्न को यह पता चल चुका है कि आर्थर और कोई नहीं बल्कि उसके बड़े भाई जो कि पहले यहां का राजा था, जिसका नाम किंग यूथर है, उसी का बेटा है, यानी वो उसका भतीजा है। और जो तलवार आर्थर ने निकाली थी ये वही मैजिकल तलवार होती है जिससे किंग यूथर ने, यानी कि आर्थर के पिता ने, जादूगरों के राजा को मारकर इंसानों को जंग जितवाई थी। किंग वॉटिकर्न के साथ साथ पूरा राज्य जान जाता है कि आर्थर और कोई नहीं बल्कि किंग आर्थर का बेटा है, यानी कि उनका असली राजा, जो इस पूरे राज्य का असली वारिस है। इसीलिए पूरा का पूरा राज्य वॉटिकर्न के खिलाफ बगावत कर देता है, और इस बात से वॉटिकर्न परेशान हो जाता है। इसीलिए जेल में वो आर्थर से मिलने जाता है और उसे उसके वंश के बारे में बताता है, और साथ ही कहता है कि कल मैं तुम्हें पूरी प्रजा के सामने ले जाऊंगा, जहां पर मैं तुम्हें तलवार उठाने के लिए कहूंगा, पर तुम तलवार नहीं उठाओगे। अगर तुमने तलवार उठाई या कुछ भी मेरे खिलाफ बोला तो मैं तुम्हारे सभी साथियों
बंदियों को मार दूंगा। दरअसल आर्थर के कुछ साथी होते हैं जो इस किंग के पास अब भी बंदी होते हैं, और अगली सुबह आर्थर को देखने के लिए पूरा का पूरा राज्य आया होता है। यहाँ तक कि सेना भी अब आर्थर के साथ है। आर्थर को तलवार उठाने के लिए कहा जाता है, लेकिन आर्थर अपने साथियों को बचाने के लिए तलवार उठाने से मना कर देता है, जिसके बाद किंग वर्टिगन सबको कहता है कि ये एक भैरूपिया है और वो उसे वहां पर सजाए मौत देने का ऐलान करता है। पर तभी यहाँ पर एक मैजिशियन, एक जादूगरनी आ जाती है जिसका नाम मेज होता है। मेज अपनी जादुई शक्ति से किसी भी जानवर को कंट्रोल कर सकती है, और यहाँ पर वो घोड़ों को कंट्रोल करके यहाँ पर उपद्रव मचा देती है। और तभी कुछ लोग यहाँ पर आते हैं। ये वो लोग हैं जो किंग आर्थर के पिता के वफादार थे और आज भी उनके वफादार हैं। वो आर्थर को अपने साथ तलवार लेकर यहाँ से कूद कर निकल जाते हैं। अभी आर्थर को अपने इलाके में ले जाते हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित होता है। यहाँ पर आर्थर एक बार फिर से तलवार को उठाता है, और तलवार उठाते वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। हालांकि आर्थर को ये सब राजा मान चुके होते हैं, लेकिन आर्थर को यकीन नहीं होता कि वही राजा है। और अब मेज तय करती है कि हमें किसी भी कीमत पर आर्थर की पुरानी यादों को वापस लाना होगा, जिसके लिए उसे डार्क टावर भेजना होगा। और अब आर्थर अपने पिता की मैजिकल तलवार को अपने कंधे में बांध कर डार्क टावर की तरफ निकल पड़ता है। ये टावर बहुत ही खतरनाक होता है, जहां पर आर्थर का सामना खतरनाक सांप से, ड्रैगन से और बहुत सारे जीवों से होता है। लेकिन किसी तरह से आर्थर डार्क टावर तक पहुंच जाता है, और जब वो डार्क टावर के अंदर पहुंचता है तो उसके पिता की मैजिकल तलवार एक बार फिर से चमकने लगती है, जिसके बाद आर्थर को अपना बचपन याद आता है। उसे याद आता है कि उसके अंकल जो कि किंग वर्टिगन है, उन्होंने किस तरह से एक नाइट डीमन बनकर उनकी मॉम को मार दिया था। साथ ही उसके पिता ने उसे बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस किया। दरअसल जब वो नाइट डीमन से लड़ रहे थे तो वो उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने जादुई तलवार को हवा में उछाला और खुद उसके नीचे आ गए। वो तलवार उनके शरीर के आर पार हो गई, जिसके बाद उनकी पूरी बॉडी पत्थर की बन गई, और वो पत्थर की बॉडी पानी के अंदर गिर गई, जिस वजह से वर्टिगन को तलवार कभी नहीं मिली थी। वो तलवार उस वक्त मिली जब पानी सूख गया था। और अब आर्थर को अपनी पूरी जिंदगी याद आ चुकी है, उसे यकीन आ चुका है कि वही असली किंग है। अब वो मेज के साथ वापस आने लगता है। मेज उसे बताती है कि एक वक्त ऐसा भी था जब इंसान और जादूगर आपस में मिलकर रहते थे, लेकिन इसके बाद किंग वर्टिगन ने, जो तुम्हारे पिता का छोटा भाई है, उसने जादूगरों को भड़काया और तुम्हारे पिता के खिलाफ कर दिया। इसके बाद जादूगरों ने डार्क टावर से शक्तियां लेकर तुम्हारे राज्य पर हमला कर दिया, पर मैजिकल तलवार की वजह से जादूगर हार गए और डार्क टावर टूट गया। लेकिन अब वर्टिगन दोबारा से उस डार्क टावर को पूरा करने वाला है, और एक बार डार्क टावर पूरा हो गया तो उसके बाद इस तलवार से भी उसे रोका नहीं जा सकता। तुम्हारे पिता ने इस तलवार को खून से जोड़ दिया था, यानी कि उन्हीं के वंश वाले इस तलवार को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं, और यही कारण था कि तुम्हारे अलावा इस तलवार को कोई भी उस पत्थर की मूर्ति से नहीं खींच पाया। अब आर्थर को जंगल में एक और रॉयल फैमिली मिलती है। आर्थर उन्हें कहता है कि मैं यहाँ का असली राजा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो, और आर्थर उन्हें कन्विंस कर लेता है। वो आर्थर के साथ हो जाते हैं, जिसके बाद ये उस जहाज को तबाह कर देते हैं जिसमें टावर बनाने का सामान आ रहा होता है। साथ ही किंग वर्टिगन के महल में भी ये आग लगा देते हैं, और अब ये किंग वर्टिगन को भी मारना चाहते हैं। ये एक प्लान बनाते हैं जिस प्लान के तहत ये किंग वर्टिगन को मारना चाहते हैं, लेकिन किंग वर्टिगन को इनके प्लान का पहले से पता चल जाता है, इसीलिए उसने अपना एक भैरूपिया बनाया था जिसे आर्थर का एक साथी मार देता है, जिसके बाद चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। आर्थर के बहुत सारे साथियों को पकड़ लिया जाता है, साथ ही आर्थर के दोस्त को किंग वर्टिगन मार देता है, जिस बात से आर्थर को बहुत दुख होता है। और गुस्से में और दुख में आर्थर अपनी मैजिकल तलवार घुमाता है, और एक ही वार में वो किंग वर्टिगन के सभी लोगों को खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपने बचे हुए साथियों को नाव से एक सेफ जगह पर ले जाता है, पर इस पूरे इंसिडेंट से उसका दिल पूरी तरह से भर गया होता है, इसीलिए वो अपने पिता की मैजिकल तलवार को पानी में फेंक देता है। पानी के अंदर हमें लेडी ऑफ द लेक को दिखाया जाता है, जो तलवार को पकड़ने के बाद आर्थर को भी पानी के अंदर खींच लेती है, और उसे भविष्य की दुनिया की झलक दिखाती है, जो दुनिया बहुत ही भयानक होती है, चारों तरफ तबाही होती है। लेडी ऑफ द लेक आर्थर को कहती है कि अगर तुमने किंग वर्टिगन को नहीं हराया तो भविष्य की दुनिया ऐसी होगी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे हराओ और खुद राजा बनकर भविष्य की दुनिया को पूरी तरह से सुरक्षित करो। आर्थर को भी समझ में आ जाता है कि उसे इस जिम्मेदारी को पूरा करना होगा, इसीलिए वापस आ जाता है, जहां
वहां उसे कुछ लोग भी मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि जो भी तुमने किया इस वजह से प्रजा वाले एक बार फिर से तुम पर विश्वास करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम ही राजा बनो। आर्थर वापस अपने लोगों के पास जाता है जहां पर किंग के कुछ लोग आते हैं। दरअसल किंग के लोगों ने जो आर्थर के लोगों को पकड़ा होता है उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इनके इलाके का पता बता दिया होता है और अब वो आर्थर को कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त का बेटा, वो दोस्त जिसे खुद किंग वर्टिगन ने मार दिया था और मेज हमारे कब्जे में है। अगर तुम चाहते हो कि हम उन्हें जिंदा छोड़ दे तो तुम्हें सरेंडर करना होगा। आर्थर उन्हें अपनी तलवार देता है और कहता है कि इस तलवार के बदले तुम्हें मेज को छोड़ना होगा और अगली सुबह मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने आऊंगा, जिसके बदले तुम्हें मेरे दोस्त के बेटे को छोड़ना होगा। किंग वर्टिगन के लोग उस तलवार को किंग वर्टिगन के पास ले जाते हैं जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो जानता है कि इस तलवार की शक्तियों के बिना आर्थर कुछ भी नहीं, वो चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए वो मेज को आजाद कर देता है, जिसके बाद मेज आर्थर के पास आती है। उसके पास एक मैजिकल स्नेक होता है जो आर्थर की प्रोटेक्शन के लिए वो उसकी बॉडी में डाल देती है और अगली सुबह आर्थर किंग वर्टिगन से मिलने पहुंच जाता है, जहां पर किंग वर्टिगन का प्लान होता है कि वो उसी की पिता की मैजिकल तलवार से उसे मार देगा। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, मेज ने जो यहाँ पर स्नेक भेजे थे वो आर्थर की रक्षा करते वो किंग पर हमला कर देते हैं। किंग वर्टिगन मैजिकल तलवार से सांप को मार देता है लेकिन अब वो तलवार एक पिलर के अंदर फंस जाती है जिसे वो चाहकर भी नहीं निकाल सकता। अब इस तलवार को अगर कोई निकाल सकता है तो वो खुद आर्थर है। यहाँ पर मेज ने अपनी जादुई शक्तियों से बड़े बड़े स्नेक्स को भेजा होता है जो किंग वर्टिगन की सेना पर हमला कर देते हैं। साथ ही आर्थर के जितने भी लोग होते हैं अब वो राज्य के अंदर महल के अंदर एंटर कर चुके हैं और वो भी उसके खिलाफ हमला कर देते हैं। किंग वर्टिगन को लगता है कि उसका समय अब पूरा हो चुका है, वो जाकर भी इनसे नहीं जीत सकता, इसीलिए वो नीचे तहखाने में जाता है जहां पिछली बार वो अपनी पत्नी को सेक्रीफाइस करके डीमन नाइट बना था। इस बार वो अपनी बेटी को सेक्रीफाइस करता और एक बार फिर से डीमन नाइट बन जाता है। आर्थर भी अपनी मैजिकल तलवार लेकर यहाँ पहुंच जाता है और डीमन नाइट और उसके बीच में एक खतरनाक लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में आर्थर उसके सामने पूरी तरह से कमजोर होता है क्योंकि नाइट डीमन बहुत ही खतरनाक है। वो आर्थर को बहुत बुरी तरह से परास्त कर देता है और इससे पहले कि वो आर्थर को मारता वो बोलता है कि शायद ये तलवार मुझसे बिलोंग करती है और यही लाइन उसने आर्थर के पिता यूथर को भी कही थी। आर्थर इस वक्त गुस्से और बदले की भावना से पूरी तरह से भरा हुआ होता है पर अब उसे एहसास होता है कि अगर उसे इस तलवार की मैजिकल पावर्स को पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा, उसे अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से शांत करना होगा और जब वो ऐसा करता है तो तलवार की शक्तियों को इस्तेमाल कर पाता है जिससे वो नाइट डीमन पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और तलवार के एक ही वार से वो नाइट डीमन को मार देता है। नाइट डीमन के मरने के साथ वो टावर जो किंग वर्टिगन ने अपनी जादुई पावर्स को बढ़ाने के लिए कई सालों में तैयार किया था वो भी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और अब पूरे राज्य में एक बार फिर से पहले की तरह शांति हो जाती है और आर्थर को इस राज्य का राजा बना दिया जाता है। मेज दूर से सब कुछ देख रही होती है और यहाँ से एक बार फिर से इंसानों और जादूगरों के बीच में दोस्ती हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म किंग आर्थर की। ये फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।